हेलो माय डियर स्टूडेंट, पीडीज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर चुका है, तो आप जाइए और प्लेलिस्ट से देख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपके वीडियो यूट्यूब में आ जाए। तो देखिए, हेरॉन्स फार्मूला। ठीक माई डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट है और किस शेप में है? ये स्क्वायर शेप में दिख रहा है। पतंग है और एक क्या है, स्क्वायर शेप में है। ठीक, विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। जो डायगोनल है इसका वो क्या है, 32 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि 32 और 32, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं क्या इक्वल, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो 32, मतलब दोनों बराबर होते हैं। एंड एन आइसोसेलस ट्रायंगल ऑफ ए बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर इच। अब आइसोसेलस ट्रायंगल है, आप कह सकते हैं कि ये क्या है, बेस तो 32 सेंटीमीटर और दिस इज ऑल्सो 32 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर बोला है ये। ठीक, और बोला है कि 6 सेंटीमीटर आइसोसेलस है, मतलब कह सकते हैं हम कि आइसोसेलस क्या होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी और एक भुजा अनइक्वल होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि टू साइड्स आर इक्वल एंड वन साइड्स आर अनइक्वल। सो इट मेड ऑफ ए 3 डिफरेंट शेडेड साइड से सोनी ने फिगर 12.17। देखिए 12.7 फिगर है, तो पहला फिगर हुआ 1, 2 और 3। हाउ मच पेपर ऑफ इच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। तो इसमें कितना पेपर का यूज़ किया है प्रत्येक में, फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में, तो हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले चलिए हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व। ठीक, लेट कर लेते हैं। मान लीजिए नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ सी एंड डी, दिस इज़ द ई एंड दिस इज़ द एफ। ठीक, अब देख लीजिए फ्रॉम फिगर देख सकते हैं ए बी सी डी इस आई स्क्वायर, इस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एंड बी डी एंड ए सी आर डायगोनल्स। आप देख सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए ओ बना देते हैं, तो एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इस राइट एंगल। यहां से देख सकते हैं आप स्टूडेंट कि ए ओ बी क्या है, राइट एंगल है। ठीक, और क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। ठीक, डायगोनल बाइसेक्ट, देखिए बाइसेक्ट हो रहा है और सम द्विभाजित कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ए ओ इक्वल, देखिए ए ओ इक्वल किसके हो जाएगा, ओ सी के इक्वल, एंड बी ओ इक्वल क्या हो जाएगा, ओ डी के इक्वल। जब बाइसेक्ट कर देगा डायगोनल से, विकर्ण जब क्या कर देगा, सम द्विभाजित कर देगा, तो ए ओ और ओ सी हो जाएगा, ओ बी और ओ डी हो जाएगा और चारों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक डायगोनल की वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर गिवन हमें बाय विकर्ण है। डायगोनल कितना है, डी आई डायगोनल 32 सेंटीमीटर। चलिए देखिए फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए बी डी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी डी ट्रायंगल, तो हम क्या लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालते हैं आपके पास ए ओ, ए ओ कितना हो जाएगा, 32/2, तो कट जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ की डिस्टेंस 16, यहाँ की डिस्टेंस 16, यहाँ की डिस्टेंस 16 और यहाँ की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ बी या फिर एरिया ऑफ शेड, एरिया ऑफ ए शेड फर्स्ट, देखिए एरिया ऑफ ए शेड फर्स्ट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हाफ ये हो जाएगा, अब बेस ये क्या हो जाएगा, 32 और हाइट कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से 16 आ चुका है, तो ये 16, तो ये कट जाएगा 2 से 8 टाइम्स,
तो यहाँ देख सकते हैं 32 × 8 और 1 का मल्टीप्लाई तो 1, 8 × 2 = 16 × 6 कैरी 1 और 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 256 cm². ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इक्वल, क्या ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बी सी डी, देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी और बी सी डी क्या जो है ये इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ सेड, एरिया ऑफ सेड सेकेंड कितना हो जाएगा, 256 cm². ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल ई एफ सी की एरिया। अब हमें दो रीजन की एरिया निकल चुके हैं, कितने, 256 और 256, क्योंकि ए बी डी का जितना एरिया आएगा उतना ही एरिया बी सी डी का आएगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं और समभाजित हैं। ठीक, अब देखिए हमें निकालना है ई सी एफ का, ट्रायंगल ई ई सी एफ फ्रॉम ट्रायंगल ई सी एफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ से ट्रायंगल ई सी एफ इसका एरिया है एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल, एरिया ऑफ थर्ड सेड, नहीं तो अभी नहीं राइट करते हैं, अभी देखिए यहाँ से देख सकते हैं ए कितना है 6, बी कितना है 6 एंड सी कितना है 8। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ से देख लीजिए 6 + 6 + 8 / 2, तो यहाँ से 6 × 6 = 12 और 12 × 8 कितना 20, 20/2 और 2 से कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, 6 × 6 = 12 और प्लस 8 = 20 और कट जाएगा तो 10। तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेड थर्ड क्या हो जाएगा, बाई हेरॉन्स फार्मूला, किसका यूज़ कर दें, हेरॉन्स फार्मूला का, एस सॉरी हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं यस यस कितना आ गया है 10, 10 माइनस ए कितना 6, 10 माइनस ए कितना 6 और 10 माइनस कितना 8 हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं कि 10 और 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से देख सकते हैं 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, देखिए 4 × 4 = 16 और 16 × 2 = 32 और 10 × 3 = 20। ठीक है 320, अब देख सकते हैं स्टूडेंट ये किसके आसपास आ रहा है, 17 का कितना होता है 289, मतलब ये 17 से ज़्यादा है, कितना है 17 से ज़्यादा है और 18 का कितना होता है 324, तो 17.92 cm² है। आप प्रिडिक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ए थर्ड सेट का कितना आ चुका है 17.992। ठीक, तो हम लिख सकते हैं देयर फोर व्हाट की वैन वी राइट, व्हाट वी कैन राइट, देयर फोर एरिया ऑफ सेड फर्स्ट कितना हो जाएगा 256 cm² एंड देन एरिया ऑफ सेकेंड सेट का कितना हो जाएगा 256 cm² एंड एरिया ऑफ सेड नंबर थर्ड, सेड नंबर थर्ड का कितना हो जाएगा 17.92 cm². दिस इज द फाइनल आंसर। सी हियर स्टूडेंट, देखिए ए बी डी का कितना एरिया आ गया है 256 पहला सेड, दूसरा सेड था तो 256 और तीसरा देखिए सेड था तो कितना आ गया 17.92 cm². तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। देखिए एक फ्लोर है, फ्लोरल डिजाइन का क्या बनाया गया है, टाइल्स है, 16 टाइल्स है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टाइल्स है। ठीक, टोटल 16 टाइल्स, बीच आर ट्राइंगुलर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बींग 9 cm, 28 cm, 35। देखिए ये क्या है, ट्राइंगल शेप का है, मतलब ट्राइंगल शेप का देख सकते हैं 28 और 9 और 35 cm का है। ठीक,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर का पॉलिशिंग करने के लिए कितना टाइल्स का लगेगा खर्चा? 50 रुपये पर सेंटीमीटर लगेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे और इसके बाद एक टाइल्स का निकालने के बाद 16 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 16 टाइल्स का एरिया निकल जाएगा और फिर 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी कॉस्ट निकल जाएगी। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए, अब देख सकते हैं कि ये क्या ट्रायंगल बना रहा है। अब यहाँ से अगर हम राइट करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल मान लीजिए ए बी एंड दिस इज द सी ट्रायंगल। ठीक, एक ट्रायंगुलर का निकाल लें तो देखिए ए यहाँ से क्या बना रहा है 35 सेंटीमीटर एंड बी देख सकते हैं 28 सेंटीमीटर एंड सी कितना 9 सेंटीमीटर। ठीक, दिस इज द साइड ऑफ ट्रायंगुलर। ठीक, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर हो गया। अब देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या निकाल लें, सेमी पैरीमीटर से और हेरोंस फार्मूला। तो ठीक है, सेमी पैरीमीटर यस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो यहाँ देख सकते हैं 35 प्लस 28 प्लस 9 इक्वल 2, तो यहाँ से ऐड कर लीजिए 8 8 16 और 17 और 17 और 3 20 और 20 प्लस 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 3 5 और 2 7 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देख सकते हैं 36 2 3 6, और एक बार और ऐड कर लेते हैं 35 और 5 चले जाएगा 40 40 प्लस 20 60 60 और 1 दे दिए तो 70 और 70 सॉरी मे बी एडिशन गलत है, देख लेते हैं यहाँ से 8 8 16 16 और 17 17 और 3 20 और 2 22 की 2 कैरी 2, तो 2 3 5 और 2 7 72 अपॉन 2, और कट जाएगा तो 36 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए बाई हेरोंस फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, बाई हेरोंस फार्मूला, तो एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर टाइल। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से देख सकते हैं यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। चलिए देखिए यस कितना है 36 36 माइनस 35 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस कितना हो जाएगा 9, यहाँ देख सकते हैं 36 36 माइनस 35 1, यहाँ से 36 माइनस 28 तो क्या हो जाएगा 2 और 8, और यहाँ से 36 माइनस 9 आप टैली कर सकते हैं, 9 तो 10 से गया तो 16 बचा 16 17 इंटू 17, एक बार टैली कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, 30 में से अपन 9 भेज दिए तो कितना है 21 21 21 प्लस 6 ज़्यादा है 27 आएगा। ठीक, 27, अब यहाँ से देखिए चलिए सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 36 इंटू 8 इंटू 27, देखिए 36 इंटू 8 8 6 42 की 2 कैरी 4 सॉरी 48 8 6 48 की 8 हाँ सिलाई 4 8 3 24 24 और 4 28, यहाँ से सॉरी 288, अब 288 को 270 में करना है, 8 7 56 की 6 सिलाई 5 7 8 56 57 58 61 की 1 हाँ सिलाई 6 7 2 14 14 और 6 20, यहाँ से 8 2 16 8 2 16 1 17 1 7 2 4 1 5 6 7 7 और 7, देख सकते हैं 7 7 और 6 आ चुका है। ठीक, अब कैलकुलेशन आप कैसे भी करते हैं मल्टीप्लाई, है ना स्टूडेंट। अब देखिए 7 7 7 6 ये किसके आसपास का है, देख सकते हैं आप 9 का क्या हो जाएगा 9 9 जा स्क्वायर, आप देख सकते हैं 90 का कितना हो जाएगा 90 इंटू 90 9 9 जा 81, और 8 8100, मतलब इससे 90 से कमी है, और 8 85 का देखा जाए स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 25 और 8 9 72, मतलब 85 से ज़्यादा है और 90 से कम है।
तो हम अप्रॉक्सीमेटली 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं, जितना 88.2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब ये कितने का आया, 1 का आया है, ठीक। तो अब देख सकते हैं एरिया ऑफ कितने ट्रायंगुलर है, 16 ट्रायंगुलर टाइल्स, तो कितना हो जाएगा 82.2 × 16, ठीक। अब देखिए क्या निकालना हमें, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब 50 पैसे कितने का है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है, 50 पैसे ले रहा है स्टूडेंट। तो देखिए अब हम 50 पैसे का, अब देखिए हमारे पास स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, ठीक। तो अब देख लीजिए कॉस्ट कितना आ जाएगा, 82.2 × 16 × कितना आ जाएगा, 50 पैसे, तो कन्वर्ट कर दें रुपीज़ में तो 100, हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 50/20, यहाँ से 50 × 1 = 50 और 50 × 2 = 100 और 2 से यहाँ पे क्या, 2 × 8 = 16, तो कितना आ चुका है 88.2 × 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, 8 × 2 = 16 = 6 = 1, 8 × 8 = 64, 64 × 1 = 65 = 5 = 6, 8 × 8 = 64, 64 + 6 = 64, 64 + 6 = 70, तो हो जाएगा 70। एक बार और टैली कर दें, 8 × 2 = 16 = 6 = 1, 8 × 8 = 64, 64 + 65 = 5 = 6, 8 × 8 = 64 + 70। अब देख सकते हैं इतने रुपीस आ चुका है, कितना 0.1 रख दो, तो 705 रुपीज़ एंड 60 पैसे, ठीक। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट। लास्ट में क्या लिखेंगे, दे आर फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पर सेंटीमीटर इक्वल 705 एंड 60 पैसे रुपीज़। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम, अब फील्ड है और किस शेप का है, ट्रेपीजियम शेप का है, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखिए एक फील्ड बना लेते हैं जो ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम शेप का एक फील्ड है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो ए बी सी एंड डी, ठीक। अब बोला है कि फील्ड ट्रेपीजियम शेप पैरेलल साइड, ये ए डी पैरेलल बी सी के और ए बी पैरेलल ए सॉरी ए डी पैरेलल बी सी है, ठीक। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 25 साइड्स, बिगर साइड कितना है 25 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है और ये क्या है 13 सेंटीमीटर, ये नॉन पैरेलल है, क्या ये नॉन पैरेलल है, तो ये 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, और हमें इस फील्ड का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक इसके ही पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से देख लीजिए ये, तो बी ए के समांतर क्या हो जाएगा ए सी डी ई, यहाँ से देख लीजिए, ओके मार्कर कहाँ है हमारा ब्लैक वाला, ठीक। यहाँ देखिए इसके ही पैरेलल कर दिए तो ये भी क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई, और देखिए यहाँ से क्या आ सकता है हमारा हाइट, यहाँ से क्या आ सकता है हाइट, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए ई और सी डी और एफ, ठीक। ए बी सी डी पूरा फील्ड है, अब ये 14 सेंटीमीटर और इसके पैरेलल तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। ये 25 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 10 सेंटीमीटर,
यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो ई से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल यहाँ से डी ई सी या सी डी ई, एक ट्रायंगल दिख रहा है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, ड्रॉ ए बी सी डी इस ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, देन क्या है इसमें AD पैरेलल क्या है बी सी। ठीक, AD पैरेलल बी सी है, एंड परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है, FD परपेंडिकुलर ऑन EC, EC में क्या है ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, फ्रॉम फिगर ट्रायंगल CDE, देख लीजिए CDE ट्रायंगुलर है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं, अब एहरॉन्स फॉर्म लगा सकते हैं, A बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, B बराबर 14 सेंटीमीटर, एंड C बराबर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए क्या निकाल लें हम, सेमी पेरीमीटर, तो A प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो A कितना है 15, B कितना है 14 और C कितना है 13 बाई 2। यहाँ से आप देख सकते हैं 3, 4, 7, 7 और 5, 12 की 2 कैरी 1, 1, 2, 3 और 4 अपॉन 2, 2 से कितने टाइम्स कट गया 21 टाइम्स। ठीक, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ चुका है 21 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, सी डी ई, तो क्या लगाएंगे बाई हेरॉन्स फार्मूला, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यहाँ से देख सकते हैं यस, यस कितना है 21। ठीक, 21 माइनस ए 15, 21 माइनस 14, देन 21 माइनस 13, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या आ चुका है 21, यहाँ से 21 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5, 1, 6, एंड 21 माइनस 14 इंटू 7 मतलब, और यहाँ से क्या आ जाएगा 20 माइनस 13 मतलब 8। आप यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट, इसको तोड़ देते हैं 7 इंटू 3 में, इसको तोड़ देते हैं 2 इंटू 3 में, और ये 7 और इसको तोड़ देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में। ठीक, अब देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है, तो एक बार हम ऐसे राइट कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 और यहाँ से 7 इंटू 7। अब देख सकते हैं सबका क्या बन रहा है जोड़ा, 2, 2, 3, 3 और 7, तो सब क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, क्या हो जाएगा 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12 और 12, 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1284, 84 सेंटीमीटर क्या आ गया है, एरिया आ गई है सी डी ई की एरिया। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई आया इतना, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देख सकते हैं स्टूडेंट एरिया कितना है 84, माय डियर स्टूडेंट एरिया कितना आ गया है 84 आ चुका है, तो हाफ, अब बेस इसके लिए क्या हो जाएगा 15, बेस क्या हो जाएगा 15 और हमें क्या निकालना है हाइट निकालना है, बेस हो जाएगा 15 और हाइट। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हाइट, हाइट मतलब डी एफ, डी एफ आ जाएगा हमारा 84 इंटू 2 अपॉन 15, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन किए तो 11.2 मीटर आ गया हाइट। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए तो 11.2 मीटर आएगा स्टूडेंट। अब देखिए डी एफ, क्योंकि मैंने पहले कर चुका है इसलिए आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया है यहाँ पे। अब देखिए एरिया ऑफ क्या निकालना है ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब एरिया ऑफ फील्ड, तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस, देख सकते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 25 प्लस 10, एंड यहाँ से देख सकते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11.2।
ठीक। अब यहाँ से देखिए 1 × 2 यहाँ से 35 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 11.2, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ से 5 से काटें तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 12, यहाँ 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और 2 1 कट जाएगा तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, मतलब 7 × 28 और यहाँ से क्या आ जाएगा 8 7 जा 56 की 5 कैरी 6 एंड कैरी 5 इज 7 2 जा 14 और 14 + 5 196 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, देयर फोर द एरिया ऑफ फील्ड इज 196 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर था कि सेंटीमीटर था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मीटर था तो यहाँ मीटर राइट कर लेंगे, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, ये मीटर है, ये मीटर, ये मीटर, सब पूरी वैल्यू किस में है, मीटर में है। बाय मिस्टेक क्या आ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख गया था, सॉरी स्टूडेंट। ओके पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट एंड ओके स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।